हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। जय महाकाल। तो गर्मियों में हम लोग कच्चे आम का शरबत बना के बहुत पीते हैं, ठीक है? क्योंकि कच्चा आम हमें लू से प्रोटेक्ट करता है, पेट में ठंडक भी पहुंचाता है। तो मैं तो यहाँ तो आम खैर मिल नहीं जाते हैं, कच्चे आम हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो हमारे बिहार में इसको आम बोलते हैं, और यहाँ पे मैं जनरली लोग ज़्यादातर इसको अम्बिया बोलते हैं। अम्बिया दे दो भैया, अम्बिया दे दो। तो ऐसा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ आम पन्ना की रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है? गर्मी में तो हम लोग अक्सर बना के पीते हैं, तो आज मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो आइए, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। तो आम पन्ना पीने का फ़ायदा क्या है? एक तो हमारे पेट को ठंडक भी पहुंचाता है, और दूसरा हमें लू से भी बचाता है, ठीक है? तो आम पन्ना बनाने के लिए मैंने 2 से 3 आम लिए हैं। 2 से 3 आम आप ले लें, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें आपको कितने लोगों के लिए बनाना है, उस अकॉर्डिंग आप आम ले लें। हम लोग तो 2 से 3 लोग हैं, तो मैं 2 से 3 आम ही लेती हूँ, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के आम मैंने लिए थे, ठीक है? कच्चे आम लिए थे मैंने। आप लोगों के पास जो आम अवेलेबल हो वो कच्चा आम आप लोग ले लें, ठीक है? उसके बाद उसको क्या करना है, प्रेशर कुकर में उबाल लेना है, ठीक है? प्रेशर कुकर में उबाल लेना है 3 सीटी आने तक, ठीक है? 3 सीटी आने तक उसको उबाल लेना है, और वो भी बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे रख के उबालना है 3 सीटी के बाद। उसके बाद क्या करना है, 3 सीटी में तो आम उबल गए, उबलने के बाद क्या करना है, उसको ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि एकदम जल्दी जल्दी प्रेशर कुकर खोलें, उसका सीटी निकाल, मतलब उसको निकाल के गरम गरम ही, तो ऐसे में नहीं, उसको आप पहले अच्छे से ठंडा होने दें। उसके बाद कुछ देर के बाद आम आम ठंडा हो जाए, तो आम ठंडा हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, प्रेशर कुकर से आम निकालें, उसको अच्छे से उसका जो छिलका होता है उसको हटा लें, छिलका को हटा कर, हाँ छिलका को हटा लें। उसके बाद क्या करना है अपने को, आम का जो वो पल्प होता है उसको अच्छे से आप या तो स्पून या फिर चाकू या फिर हाथ की मदद से उस आम के पल्प को अच्छे से निकाल लें, ठीक है? उसके बाद उसको क्या करना है कि मिक्सर जार में उसको, वो जो आम का पल्प आपने निकाला है उसको मिक्सर जार में रख लीजिए। फिर उसमें 2 हरी मिर्च मिला लीजिए, अदरक का टुकड़ा मिला लीजिए, मैं छोटे छोटे 2 टुकड़े मिलाती हूँ, ठीक है? 2 टुकड़े। उसके बाद भुना हुआ जीरा, जैसे कि भुना हुआ जीरा तो हम लोग बहुत ही बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे दही बड़े में, बहुत सारा सेक बनाने में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, हमेशा जीरा को तवे पे भून के रख लेती हूँ, और फिर उसको मैं उसका पाउडर बना के उसको एक छोटे से डब्बे में रख लेती हूँ, ताकि कभी यूज़ करना पड़े तो बार बार बनाने का झंझट ना हो, ठीक है? तो इसलिए उसमें 2 अदरक का टुकड़ा छोटा सा, 2 हरी मिर्च, ठीक है? और ये भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच काफ़ी है, भुना हुआ जीरा का पाउडर 1 चम्मच, ठीक है? इनको मिलाना है। और एक बात और, अगर आप लोगों को पुदीना पुदीना पसंद है तो आप लोग उसमें पुदीना का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ, बट उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है, तो आप लोग ऐड पुदीना का पत्ता को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वो आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है? तो उसमें आप 3 से 4 पुदीना का पत्ता ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, काला नमक ले लीजिए, ठीक है? स्वाद अनुसार काला नमक ले लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर लीजिए काला नमक, ठीक है? अब इनको क्या करना है, इन सारे मिक्सचर को ब्लेंड कर लेना है, मिक्सी जार में रख के इसको ब्लेंड कर लेना है, अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेना है, ना बहुत ज़्यादा पतला बहुत ज़्यादा गाढ़ा। ओह एक चीज़ और उसमें चीनी भी मिलाना है, मैं भूल गई थी, चीनी भी मिलाना है। क्या क्या चीज़ें मिलानी है, वो आम का पल्प रहेगा, ठीक है?
उसके बाद अदरक, मिर्ची, भुना हुआ जीरा का पाउडर और चीनी, चीनी ठीक है, 1 कप, छोटे वाले कप से 1 कप चीनी मिलाना है उसमें, ठीक है। इन सबको मिला के ये मिक्सर जार में, और इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। अब ब्लेंड करने के बाद हम लोगों क्या इसका पेस्ट बना लेंगे हम लोग, इसका पेस्ट अपने को मिल जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मतलब 1 वीक तक इसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको कंटेनर में रख के आप फ्रीज में रख दो, ठीक है। और कैसे कंटेनर में रखना है, ये नहीं कि ऐसा कंटेनर में रखें कि उसमें हवा चला जाए, ऐसे कंटेनर में नहीं, एयर टाइट कंटेनर में इसको बंद करके स्टोर करके आप 1 वीक तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दें, वो डब्बे में बंद करके जिसमें कि हवा ना जा सके, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो मान लीजिए जैसे कोई आया बाहर से, आपके कोई गेस्ट आ गए, या फिर आप ही लोग बाहर से कहीं घूम के आए, या फिर कोई भी आ जाए, ठीक है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, आप एक एक ग्लास लीजिए, उसमें आइस क्यूब्स डाल दीजिए, 1 से 2 आइस क्यूब्स, ठीक है। उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर मिला दीजिए, ठीक है। और फिर ये दो चम्मच पेस्ट जो हमने तैयार किया है, आम का पेस्ट, वो मिला दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी उसमें डाल दीजिए, उसके बाद उसको स्पून की हेल्प से उसको मिक्स कर देंगे ग्लास में, तो वो अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद आप उसको सर्व कर दीजिए, तो ऐसे आपको पीना है, ठीक है। कोई गेस्ट आ गया है, या फिर कोई भी आ गया, या फिर ऐसे ही अपने आप को ही पीने का मन किया, तो हम लोग ऐसे उसको ग्लास में रख के सर्व कर सकते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो मैंने आप लोगों के साथ ये मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये आम पन्ना की रेसिपी शेयर करूं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया, ये भी बता दिया कि कैसे उसको सर्व करना है, सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो होप आप सबको अच्छा लगे, आप सबके लिए हेल्पफुल हो ये वीडियो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय महाकाल। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो।